सिरमौर जिले के गिरी परहाटी जनजातीय क्षेत्र को लगभग 150 पंचायतों में भोड़ी दिवाली पर्व की शुरुआत के तौर पर जाना जाता है और इसकी शुरुआत हुई है। यहां लोगों ने सुबह 3 से 4 बजे के बीच मशाल जुलूस के साथ भोड़ी दिवाली पर्व की शुरुआत की। मशाल जुलूस के साथ ही क्षेत्र की अधिकतर पंचायत में देश में अपनी तरह का अनोखा भोड़ी दिवाली का ये पर्व शुरू होता है। इस दौरान गाँव पारंपरिक नाच गाने के धूम के साथ आगे बढ़ता नजर आता है। क्षेत्र के लोग पारंपरिक व्यंजनों का भी आनंद लेते हैं। एक बार सुनिए धुन और नाच गाने की आवाज। और उत्तराखंड के पहाड़ी जा रहे हैं, पहाड़ी एरिया में बड़ी दीपावली जिसे कहा जाता है, या जो दीपावली की ठीक है कि मैंने बात होती है, जिसे लोग बड़ी दीपावली बूढ़ी दीपावली के नाम से जानते हैं। मान्यता ये है कि महाराजा बलि जब उन्हें पाताल लोक का राज दिया गया तो पाताल लोक से एक दिन अपने लोगों से मिलने आए थे, तो महाराजा बलि को एक की याद में भी वो ये दिन मनाया जाता है। दूसरा, इसमें मशाल जुलूस निकाली जाती है जो गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक निकाली जाएगी और जिसमें हर गांव से भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। हर गाँव से एक मशाल कहा जाता है, हर घर से एक मशाल जरूर आता है, जितने प्राणी घर में उतनी मशालें लाई जाती हैं और उस मशाल की जरूरत, क्योंकि काफ़ी मात्रा में आग होती है और पूरे गाँव के लोग उसमें अपना ढोल नगाड़े के साथ मशाल यात्रा निकालते हैं। उसमें कहा जाता है कि जो भूत प्रेत होती है, जो गंदी आत्मा होती है, उन्हें भगाया जाता है 1 साल के लिए ताकि वो गांव में ना आए। अगले साल फिर उसी तरीके से मशाल जुलूस निकाला जाता है।